हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग योर इंग्लिश क्लास. एज यू नो, वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर अबाउट द प्राणायाम. सेकेंड चैप्टर वॉज प्राणायाम एंड वी हैव कम्प्लीटेड इट. ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ये देखिए, MCQs मैंने कल आपको बता दिए थे. प्राणायाम शुड बी डन बिफोर मील. While practicing pranayam, we should sit in padmasan. The process of breathing out in pranayam is called richak. How many maximum rounds pranayam can we do? 15 to 20. ये मैंने positions इसमें मैंने आपको समझाई थी, बताई थी. ये pictures हैं, इनको आप खुद अपनी book में देख करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. Write कर सकते हैं आप इनके बारे में आराम से. Next देखिए, true false solve करने आपको. Shivam went to park with Raju one day. तो शिवम राजू के साथ गया था, नहीं गया था. दे सा सम पीपल मेकिंग पोस्टर इन द मिडिल, पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क. पोस्टर बना रहे थे, नहीं गलत है. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. यस. प्राणायाम इंक्रीजेज अवर हार्ट रेट. नो. इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम. नो. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. यस. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आंसर हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो. ये कुछ एक एक वर्ड इनमें फिल करना है और इन नया जो वर्ड्स हैं बनने वाले हैं इनको कंप्लीट करना है. जैसे ये NOSTRIL नॉस्ट्रिल, BREATHE ब्रेथ, THOUGH दो. नहीं नहीं, ये दो नहीं है भाई, ये तो एक ही तो ब्लैंक है ना. ये इसमें आएगा आई, TIGH थाई, THEME थीम, ANGLE एंगल, RELEASE रिलीज. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ. कुंभक क्या होती है? कुंभक वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर ब्रेथ को होल्ड किया जाता है. रेचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट. ब्रीद आउट करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? रेचक. पूरक द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन. ब्रेथ को इन यानी कि ब्रेथ इन करने का जो प्रोसेस है वो पूरक. ब्रेथ इन करने का पूरक, होल्ड करने का कुंभक और रिलीज करने का रेचक. ठीक है, आज होमवर्क में मैं बता देती हूँ आपको. अगर आपने ये नहीं किया है MCQs तो आप होमवर्क में वन कर लिया है तो वापस से मत करना. नहीं किया है तो इसे कर लेना नोटबुक में. और सी एक्सरसाइज करनी है आपको, साथ में ही ये ए एक्सरसाइज करनी है और ये बी एक्सरसाइज करनी है. ठीक है, इसके बाद ये जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ आपको बुक में ही फिल करने हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाई यूजिंग हाउ मैनी और हाउ मच. हाउ मैनी होता है कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच होता है कितना, क्वांटिटी में कितना. ठीक है, हाउ मच मनी डू यू नीड. हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट. हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. हाउ मैनी पीपल डू लिव इन योर विलेज. How many members are there in your family? How much milk do you need for your children? How much rupees does he have? ठीक है, जो rupees होते हैं उनके लिए how much ही use होता है. ठीक है ना, how many rupees नहीं होता है, how much rupees होता है. और बाकी जो quantity के लिए जब कभी बात आती है, जैसे milk की quantity कितनी चाहिए, तो उसके लिए how much use किया जाता है. ठीक है, और हाउ मैनी एक दो तीन चार पाँच, मतलब काउंटिंग में, काउंटेबल नंबर्स के लिए यूज होता है हाउ मैनी. ठीक है ना. अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं यहाँ पे. राइट करने का वर्क समझ में आ चुका है ना आपको. ए एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, और उसके बाद में एक्टिविटी सेकंड की ए और बी एक्सरसाइज राइट करनी है. ठीक है, अब एक्टिविटी थर्ड देखिए. Look at the following sentences taken from the lesson.
ये कुछ लाइंस हैं, ये आपके लेसन में से ली गई हैं। सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज। एक मैट पर शांति से बैठिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप फॉर 4 आवर्स आफ्टर लास्ट मील। आप इस काम को शाम को भी कर सकते हो लेकिन आपको खाना खाए हुए कम से कम 4 घंटे हो जाने चाहिए। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कम्फर्टेबली कैन। आप 5 से 10 सेकेंड के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं या जितना आप कर सकते हैं उतना। ईच ऑफ द अबाउट 3 sentences हैव 2 parts। यहाँ पर ऊपर जो ये तीनों सेंटेंसेज दिए गए हैं इसमें एक ही सेंटेंसेज के 2 पार्ट्स हैं। जैसे सिट कामली ऑन अ मैट, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लोज योर आइज, दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। You can also do it in the evening. एक sentence complete हो गया। But के बाद में there should be a gap of 4 hours after meal. ये second sentence हो गया। तो इस तरह से एक ही sentence के अंदर दो दो sentence जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए ना। और इन दो sentences को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर and का use हुआ है, यहाँ पे but का use हुआ है और यहाँ पे or का use हुआ है ना। तो ईच ऑफ द अबाउ 3 sentences हैज 2 parts। इन फर्स्ट सेंटेंस द 2 parts हैव बीन ज्वाइंड बाय एंड, इन सेकेंड सेंटेंसेज 2 parts हैव बीन ज्वाइंड बाय बट, वेयर एज इन थर्ड सेंटेंसेज द 2 parts हैव बीन ज्वाइंड बाय और। वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव्स बट फॉर डिफरेंस डिफरेंट इंफॉर्मेशन। एंड का मतलब होता है और इसका यूज किया जाता है दूसरी इंफॉर्मेशन को साथ में जोड़ने के लिए। और का यूज किया जाता है अल्टरनेटिव्स देने के लिए कि या तो ये या फिर ये। और बट का यूज किया जाता है डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, ऐसा करना लेकिन, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए बट का यूज किया जाता है। बोल देते ना, देखो आप वहां घूमने जाओ लेकिन इस बात का ध्यान रखना। तो इन्फॉर्मेशन के लिए बट का यूज किया जाता है। तो आपके सामने यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आपको इसमें एंड बट और का यूज करना है। मैं इनको कल सॉल्व करके दिखाऊंगी, आज आप कोशिश करना, ठीक है ना। और आई होप कि आप सभी बच्चे कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो करके देखना, कल मैं सॉल्व करवाऊंगी, फिर देखते हैं कि आप लोगों ने कितना कुछ ठीक किया। ओके स्टूडेंट्स, और जो राइटिंग वर्क बताया उसे राइट कीजिए, जो बुक में सॉल्व करना बताया उसे बुक में सॉल्व कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।